हाय एवरीवन, आइए समझते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत, वोल्ट बीटल फोर्स थ्योरी। यह सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया। इसके अनुसार कार्बन के यौगिक सिर्फ प्रकृति में ही पाए जाते हैं। इसके यौगिक का मानव के द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है। इनका मानना था कि यूरिया की प्राप्ति सिर्फ मलमूत्र से ही हो सकती है। फॉर्मिक एसिड बिच्छू, बर्रों, लाल चींटियाँ एवं मधुमक्खियों में पाया जाता है। मीथेन यानी CH4 की प्राप्ति सिर्फ धान की दलहनी क्षेत्रों में ही हो सकती है। अतः इन सभी पदार्थों को मानव के द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है। परंतु बर्जीलियस के शिष्य फ्रेडरिक वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट का गर्म करके यूरिया बनाया। अतः स्पष्ट हो चुका है कि कार्बन के कंपाउंड को मानव भी बना सकता है। सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक कंपाउंड यूरिया ही है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे यूरिया का निर्माण कैसे हुआ यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद कार्बन एक अधातु है तथा इसके यौगिक मुख्यतः सहसंयोजक होते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन का सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है कार्बन को। इसके यौगिकों की संख्या अत्यधिक होती है। इसके यौगिक समाप्यता प्रदर्शित करते हैं। सो थैंक यू।